बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाई जुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। महमत कहे मैं हक की, पहुंची बका में, ये मैं असल अरस की, ये मैं मोमिनो हक से, ये मैं मोमिनो हक से, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी ना कछु, तो कहा कहूँ तुमसे, तो कहा कहूँ तुमसे, ज्यों जानो त्यों रखो। अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी स्वरूप महामति स्वामी श्री प्राणिनाथ जी की यह दिव्य वाणी तारतम सागर ब्रह्मवाणी को हम खिलवत ग्रंथ के द्वारा वाणी चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम खिलवत वाणी में यह चौथा प्रकरण, जिस चौपाई का अभी हमने उच्चारण किया, इस चौपाई के आधार पर इससे आगे वाला जो प्रकरण 2-3 का भी सारांश भाव को लेते हुए कुछ प्रसंग के ऊपर चिंतन करेंगे। तो यहां महामति प्राणिनाथ जी कहते हैं, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, अब कहने को भी ना कछु, तो कहा कहूं तुमसे। श्रीनाथ जी महाराज धाम धनी से अर्जी करते हुए, अपने भाव को व्यक्त करते हुए इंद्रावती आत्मा श्रीनाथ जी महाराज से कहते हैं, ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। हे धाम धनी, हे प्रियतम, हे श्रीनाथ जी महाराज, ये आपका मैं जो है ना, इसको जिस हाल में रखने के लिए आप चाहते हैं उसी हाल में रखिए। अब कहने को भी ना कछु, मेरे तरफ से अब कहना भी कुछ नहीं है, कहां कहूं तुमसे, अब मैं आपको कहूं तो भी क्या कहूं। इस तरह से मैं को धन में समर्पित करने का भाव, और अपने तरफ से अब कुछ कहना भी नहीं है, यह शरणागति समर्पण का पराकाष्ठ का भाव यहां पर व्यक्त करते हैं। तो इस चौपाई के साथ में प्रसंग हमें दूसरे नंबर प्रकरण और तीसरे नंबर प्रकरण से निरंतर जोड़ करके यह चौथा प्रकरण का इस चौपाई के भाव को समझ सकते हैं। तो हम पहला नंबर प्रकरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर हमने सार भाव ये लिया कि धाम धनी श्रीराज जी महाराज से अर्जी करते हुए यह भाव को व्यक्त किया, धनी आपने ऐसा खेल दिखाया, परंतु ये खेल हमने ही मांगा है, अब अर्जी करो तो भी आप यही कहेंगे तुमने ही मांगा था करके, अब अर्जी करो तो भी अर्जी करना बनता नहीं, न करो तो भी शांति से बैठ नहीं सकती हूं, अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। तो उसी प्रकरण में ये भाव भी दर्शाया, हे धनी आप जागृत परमधाम में बैठे हुए हैं और मैं ये स्वप्निक संसार के अंदर बैठी हुई हूं, और यहां सपना के अंदर से मैं जितने भी शब्दों के द्वारा आपको पुकार करूं, अर्जी करूं, विनती करूं, यहां सपना का शब्द आपके उस जागृत परमधाम तक पहुंचने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे भाव को भी व्यक्त किया।
और आगे चलते चलते यहां चौथा प्रकरण में आकर के ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं करके जो मैं शब्द प्रयोग किया है, ये प्रसंग का भाव ऐसे दूसरे प्रकरण से ही प्रारंभ किया है। जैसे दूसरे प्रकरण में मैं खुद ही काढ़े का इलाज करके जिस विषय वस्तु के ऊपर शुरू करते हैं, हम लिए कौल खुदाए के हक के जो परवाना, लई कई किताबें साहिदियां कई हदीसे फुरमान, कई हदीसों फुरमानों के कतेक ग्रंथों के वचन वैदिक धर्म शास्त्रों के वचनों को साक्षी लेकर के देखा और कई साधु संतों की वचन का भी साक्षी लेकर के देखा, तो इन सारे शब्दों के द्वारा यही सार भाव दिखाई दे रहा है परमात्मा तक प्रियतम धाम धनी तक यहाँ का संदेश को पहुंचाने के लिए, यहाँ से किया हुआ अर्जी विनती को पहुंचाने के लिए आड़ा क्या बन रहा है, ये मैं खुद ही आड़ा बन रहा है। तो ये मैं खुद ही को जब हम हटाएंगे दूर करेंगे तो तब जा करके राज्य के हुकुम के माध्यम से यहां से किया हुआ अर्जी भी प्रियतम धाम धनी श्री राज्य महाराज तक पहुंचा सकते हैं, इसलिए ये मैं खुद ही को काढ़ना होगा। तो इस तरह से मैं शब्द यह दूसरा प्रकरण से ही प्रारंभ किया है और तीसरे नंबर प्रकरण में जाकर के तो प्रणिनाथ जी यहां तक कहते हैं मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं किन विध मैं को मारिए या विध होए इनसे। इस तरह से यहां दो प्रकार के मैं के विषय में विवेचन करते हैं और ये दो प्रकार के मैं का विवेचन होने के बाद आगे जाकर के चौथे प्रकरण में उन दोनों में से एक मैं को खड़ा करके ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं है प्रियतम धनी, ये वाला जो मैं है ये आपका मैं है, अब इसको जिस हाल में रखिए आपका मर्जी, इस तरह से ये भाव को व्यक्त करते हैं। तो ये तो मैंने सारांश रूप में तीनों प्रकरण का, प्रकरण दो तीन और चार तीनों प्रकरण का कुछ सारांश भाव को बताया। अब इन्हीं विषयों के आधार पर ये मैं का विवेचन हम करेंगे और ये मैं का विवेचन करने का अथवा इस विषय में चिंतन करने का आशय क्या है। पहला प्रकरण का भाव में ये भाव आया हम स्वप्निक संसार के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ का संदेश श्रीराज जी तक नहीं पहुंच सकता है, ये भाव को दर्शाया। परंतु ये दूसरे प्रकरण में आकर के चौपाई नंबर छह में प्रणय जी क्या कहते हैं, एते दिन मैं यो जान्या मैं बैठी नाही के माहे तो इतका संदेशा हक को पहुंचत नाही। देखिए ये चौपाई में प्रणिनाथ जी क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, इतने दिन मैं यो जान्या, इतने दिन तक मैं ये समझ करके रहा, ये समझ करके बैठा कि मैं बैठी नाही के माही, मैं ये नाही संसार में स्वप्निक संसार में झूठा संसार में बैठी हूं तो इतका संदेशा हक को पहुंचत नाही, मैं स्वप्निक संसार के अंदर बैठी हूं तो मतलब इसीलिए इतका संदेश यहाँ स्वप्निक जगत से किया हुआ पुकार प्रार्थना और हक तक पहुंचाने के लिए जो संदेश भेज रहे हो हक को पहुंचत नहीं, प्रियतम धाम धनी परमात्मा श्री राज्य तक नहीं पहुंचती है। इतने दिन तक मैं ये समझ करके रहा था, ये सोच करके बैठा था, तो इसका अर्थ क्या है, इतने दिन तक मैं ये सोच करके बैठा था, इसका अर्थ ये निकलता है वास्तव में अभी आकर के मुझे ये पता चला ऐसा नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, इंद्रावती आत्मा को ये सूत्र मिल रहा है, ये संकेत दिखाई दे रहा है कि यहां से किया हुआ अर्जी भी राज्य तक पहुंच सकती है, प्रियतम धाम धनी तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए तो वो बोल रहे हैं इतने दिन तक तो मैं ये समझ करके रहा था कि मैं स्वप्निक संसार के अंदर बैठी हुई हूं, इसीलिए यहां से किया हुआ अर्जी और यहां से जो संदेश भेज रहा हूं वो हक के पास
नहीं पहुंचता है ये समझ रहा था, तो यहां से ये संकेत मिले, यहां से किया हुआ अर्जी भी राज्य के पास पहुंच सकता है। अब हम इस विषय में जरा सा विचार करें, अगले चौपाइयों के माध्यम से स्वयं प्रण्य जी कई चौपाई के द्वारा ये सार भाव को दर्शाते हैं, परंतु इन सारे प्रसंगों के द्वारा हम सार भाव को निकाल करके इस विषय को जरा सा खुलासा करें। तो अब इंद्रावती आत्मा किस सूत्र के द्वारा धाम धनी तक यहाँ का संदेश पहुंचने की बात को यहाँ प्रस्तुत करेंगे, तो इस विषय में जैसे कल ही हम चर्चा कर रहे थे हुकुम के संदर्भ में, श्रीराज जी महाराज के हुकुम के द्वारा ये सृष्टि की रचना की है, खेल किया हुकुम सो, हम आत्माएं संसार में संसार जगनाटक देखने के लिए आए, ये भी हुकुम के द्वारा ही आए हैं, और यहाँ संसार में आत्मा को दर्शन देंगे परमात्मा तो हुकुम के द्वारा ही होगा। परमधाम में हमें हंसते हुए उठना हो, रोते हुए उठना हो, हम आत्माओं की हार होना हो, जीत होना हो, ये सब हुकुम के द्वारा ही है। जो कुछ भी हुआ वो हुकुम के द्वारा हुआ, जो हो रहा है वो हुकुम के द्वारा हो रहा है, जो होने वाली है ये भी हुकुम के द्वारा ही होने वाली है। इसलिए हुकुम कितनी शक्तिशाली है, कितनी ताकतदार है, तो अंत में जाकर के हुकुम के संदर्भ में कहा, अब ज्यों जानो त्यों करो, जैस हाल में रखना है, आखिर हुकुम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो अब हुकुम के द्वारा ही जो ठीक लगे वही करिए। इस तरह से हुकुम के ऊपर समर्पित का भाव के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। तो प्रणिनाथ जी दूसरे जगह में भी हुकुम के संदर्भ में कहते हैं, हम तो हाथ हुकुम के, हक के हाथ हुकुम, एत हमारे पियाजी क्या चले, ज्यो जानो त्यों करो खसम। हम तो हुकुम के हाथ में हैं, और हुकुम हक यानी कि प्रियतम श्रीराज के हाथ में है, अब यहां हमारा कुछ चलने वाला नहीं है, इसलिए हे प्रियतम श्रीराज जी महाराज, ज्यो जानो त्यों करो खसम, आपको जो ठीक लगे वही करिए, अब मेरे तरफ से कुछ कहना सुनना कुछ नहीं है। इस तरह से हुकुम का परिचय और हुकुम के ऊपर आत्मा की पूर्ण समर्पण का भाव पहले ही चर्चा करके आए हैं। तो यहां पर महामती प्रणिनाथ जी कहते हैं, एते दिना मैं यूं जान्या, मैं बैठी नाही के माही, मैं नहीं संसार में बैठी हूं, इसलिए यहां का संदेश हक तक नहीं पहुंचती है, मैं ये सोच करके इतने दिन तक रहा था। इसका मतलब आज पता चल रहा है, यहां का संदेश परमात्मा तक, हक तक, श्रीराज जी तक पहुंचने वाला है। तो कैसे, तो आगे ये भाव व्यक्त करते हैं, आखिर खेल श्रीराज जी के हुकुम के द्वारा बना हो, हम आत्माएं हुकुम के द्वारा आए हैं, हम आत्माओं को परमात्मा का दर्शन होगा वो भी हुकुम के द्वारा ही होगा, हमारा हार जीत दुख सुख सब हुकुम के द्वारा ही होगी, जो हुआ हो रहा है और होने वाली है ये सब हुकुम के द्वारा है। तो अगर राज्य महाराज ऐसा हुकुम करे कि हम यहाँ नहीं संसार में बैठे बैठे राज्य को संदेश भेजें, प्रार्थना करें, और वो प्रार्थना को राज्य तक पहुंचने का हुकुम अगर राज्य करे, तो यहाँ का संदेश क्यों नहीं पहुंचता है, जरूर से जरूर पहुंचेगा। आखिर राज्य का हुकुम ही सब कुछ कर रहा है, तो राज्य के हुकुम के द्वारा हम नहीं संसार में बैठ करके किया हुआ प्रार्थना अर्जी भेजा हुआ संदेश भी है परम धाम तक राज्य के पास पहुंचाने का अगर हुकुम करे, तो जरूर से जरूर ये हुकुम के द्वारा ही संदेश पहुंच सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हुकुम की बात है, और दूसरी बात, जरा सा ये मैं खुदी आड़ा बन रहा है, इसलिए मैं खुदी को भी दूर करना होगा, ये मैंपन जो है ना इसको दूर करना होगा, तो जरूर यहां से भेजा हुआ संदेश श्रीराज जी महाराज तक पहुंचेगा। और श्रीराज जी महाराज तक ये संदेश पहुंचने के बाद हमारी दिल की जो भी चाहना है श्रीराज जी महाराज स्वयं पूर्ण कर देंगे।
और इस भाव के ऊपर चिंतन कराते हुए चौपाई नंबर 18 में जाकर के और गहरी भाव को बताते हैं। हक उपजावे देवे को सो हक देव नहार, मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार। देखिए इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये भाव आगे चल रहा था ना, हे राजी महाराज हम पुकार कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, यहाँ का संदेश आप तक नहीं पहुंच रहा है और हम आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, आपकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहते हैं, ऐसी ऐसी बातें पुकार करके, परंतु ये संसार फरामोशी का पर्दा बीच में आने के कारण ये संभव नहीं हो रहा है। विभिन्न प्रकार के भाव के द्वारा इंद्रावती आत्मा ने अपने भाव को व्यक्त किया, परंतु इंद्रावती के अंदर एक भाव एक तड़प ये रहा था कि यहाँ से राज्य को हम इतना अर्जी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, परंतु राज्य महाराज हमारी इस विनती इस अर्जी को क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं, ये भी भाव उनके हृदय के अंदर चल रहा था। इस संदर्भ में भी यहाँ पर आकर के कहते हैं, जो कुछ भी मेरे दिल में उत्पन्न हो रहा है ये भी तो राज्य के हुकुम के द्वारा ही तो उत्पन्न हो रहा है। मैं कौन हूं जो दिल के अंदर ऐसे ऐसे विचार ऐसे ऐसी भावना को प्रकट करें, आखिर सब कुछ राज्य के हुकुम के द्वारा ही संभव हो रहा है। तो मेरे दिल में जो कुछ भी भाव प्रकट करने वाले हैं, जो मांगने की चाह प्रकट करने वाले हैं, ये भी तो राज्य का हुकुम है। इसीलिए मेरे दिल में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ ये राज्य ने ही उत्पन्न कराया है, हक उपजावे हक ने उत्पन्न कराया। तो हक ने दिल में कुछ उत्पन्न कराया तो ये किस लिए, हक उपजावे देवे को, कुछ देने की चाह राज्य महाराज के हृदय में है, तो इसीलिए देने से पहले हृदय में उत्पन्न कराया। और जो बात राज्य महाराज ने आत्माओं के हृदय के अंदर उत्पन्न कराया है, जरूर से जरूर राज्य महाराज एक न एक समय में वो बात पूरी करके छोड़ेंगे, जो उत्पन्न कराया है वो देंगे ही। इसलिए कहते हैं सो हक ही देवनहार, हक ही देने वाले हैं। दिल में उत्पन्न हक ने यानी कि परमात्मा श्रीराज जी ने कराया और वो परमात्मा श्री राज्य ही देने वाले हैं। तो आव इंद्रावती आत्मा अपने भाव को व्यक्त करते हैं, जब राज्य ने ही दिल में उत्पन्न कराया, जब राज्य महाराज ही देने वाले हैं, तो मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार। मैं हक का दोष देख करके यानी कि हक को दोष लगा करके, दोष इस अर्थ में कि मैं यहां से इस तरह से दिल की बात को पुकार कर रही हूं, अर्जी कर रही हूं, कुछ मांग रही हूं, परंतु राज्य महाराज मेरी मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं, मैं जो चीज मांग रही हूं वो नहीं दे रहे हैं, इस तरह से राज्य के ऊपर दोष लगा रहा हूं ना मैं कि राज्य महाराज को मैंने मांगा, राज्य ने मुझे नहीं दिया, ये कहना भी तो राज्य को दोष देना है। तो कहते हैं यहां मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनहगार। इस तरह से राज्य को दोष दिखा करके मैं गुनहगार कैसे बनूं। इसलिए अब उत्पन्न कराने वाले भी राज्य है, देने वाले भी राज्य है, अब जब देना चाहे वो उनकी मर्जी है, उनका हुक्म है। इसलिए इस तरह से हक को यानी कि परमात्मा को श्रीराज जी को दोष दिखा करके मुझे अपने आप को गुनहगार भी नहीं बनना है। इसलिए अब धनी ज्यों जानो त्यों करो, अब आपको जो ठीक लगे वैसा ही करिए, परंतु अब अर्जी विनती न करो तो भी थोड़ी सी आत्मा तड़पती है, ये तड़पाने वाले भी आप ही हो और आत्माओं की जो चाह पूरी करने वाले भी आप ही हो। इस तरह से पूर्ण समर्पण का भाव ये दूसरे नंबर प्रकरण में भी बहुत सारे चौपाइयों के माध्यम से व्यक्त किया। और यहाँ का संदेश हक तक पहुंचने के लिए यानी कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए आड़ा क्या बन रहा है, जैसे कि हमने पहले ही कहा मैं खुदी,
तो इसीलिए ये मैं के संदर्भ में विवेचन करते हुए प्रणिनाथ जी अब ये तीसरे प्रकरण में कहते हैं, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन विध मैं को मारिया या विध होए इनसे। तो इस तरह से ये चौपाई में मैं करके पांच बार मैं शब्द आया है। मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन विध मैं को मारिया या विध होए इनसे करके एक ही चौपाई में पांच बार मैं आया। परंतु ये पांच बार मैं आने पर भी यहां दो प्रकार की मैं का विवेचन है अथवा दो प्रकार की मैं के विषय में बात किया है। जब हम ये तीसरे प्रकरण में मैं का प्रसंग है, ये दो मैं का विवेचन करने के बाद ही चौथा प्रकरण में ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं करके जो मैं शब्द आया है उसमें से कौन सा मैं है जिसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसीलिए हमें ये तीसरे प्रकरण के मैं का प्रसंग के ऊपर भी कुछ विवेचन करना होगा, कुछ चिंतन करना होगा, कुछ जानना होगा। तो यहां पर दो प्रकार का मैं है। तो सीधा सीधा हम प्रसंग को ये दो प्रकार के मैं के ऊपर चिंतन की ओर आगे बढ़े तो इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर देखें तो एक तो जीव का मैं है। जीव का मैं मतलब महामती प्रणिनाथ जी स्वरूप जो इंद्रावती की वासना जिनके अंदर धाम धनि की आवेश शक्ति है, जिन्हें हम प्रणिनाथ जी के स्वरूप में जानते हैं, तो उनके अंदर अलग अलग शक्ति विद्यमान है। तो ऐसे अलग अलग हिसाब से चिंतन करते समय तो यहाँ अलग अलग शक्ति का रूप हम दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे पांच शक्ति कहने से मूल शक्ति में तो श्री धनी जी का जोश, आत्म दुलहीन, नूर हुकुम, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मील भई महामत वेद कतेब पहुंचे शरत, इस तरह से श्रीराज जी का आवेश, श्यामा जी की शक्ति और नूर तारतम का प्रकाश, हुकुम का स्वरूप का शक्ति और जागृत बुद्धि का शक्ति, ये पंच शक्ति समावेश है। ये तो बाद में हक के स्वरूप के द्वारा लीला करते समय की बात है। 1675 में ही महामती प्रणिनाथ जी स्वरूप अक्षराती धाम धनी का आवेश लेकर के श्री इंद्रावती की वासना श्री महराज ठाकुर के रूप में यहां धरती में प्रकट हुए, तब से ही उनके अंदर ये पंच शक्ति विद्यमान है। तो ये पंच शक्ति कौन कौन है? धरती के हिसाब से उत्तम जीव का शक्ति है, वेद शास्त्र के हिसाब से कल के अवतार का शक्ति है, कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी का शक्ति है, परमधाम का 12,000 सखियों में से इंद्रावती सखी की वासना है, और तारतम के प्रकाश के हिसाब से श्रीराज जी का आवेश शक्ति है। तो इनमें से हम दो शक्ति के ऊपर विवेचन करें तो एक है धरती का उत्तम जीव और एक है इंद्रावती सखी परमधाम की सुरता। तो ये दोनों शक्ति का अपना अपना मैं है। तो एक धरती का जीव यानी कि जो ये जीव के हिसाब से यहां धरती का शरीर में जो महराज ठाकुर नाम रखा गया ना, ये महराज ठाकुर यहां धरती का शरीर का नाम है जिसके अंदर एक जीव है और उसी के अंदर और शक्ति में से इंद्रावती की सखी की वासना है जो परमधाम से आई हुई सुरता है। तो यहां एक जीव का महराज का जीव का मैं भी है और परमधाम से आई हुई सुरता का मैं भी है। तो ये दोनों मैं में से अभी तक यहां का मैं यानी कि महराज का जीव का मैं, यहां संसार के जो जीव उत्तम जीव जिनके अंदर विद्यमान है, ये मैं जब तक एक्टिव होकर के काम करते रहेंगे ये मैं ही परमात्मा तक संदेश पहुंचाने के लिए आड़ा बनने वाला है और आड़ा बन रहा है। तो इसलिए अब इस मैं को हटाना होगा, इस मैं को दूर करना होगा। तो अब इस मैं को दूर करने के लिए क्या करें? तो इस मैं को दूर करने के लिए अब यहां पर युक्ति बताते हैं। परात्मा की मैं, परमधाम का मैं, जो इंद्रावती आत्मा का सुरता का मैं है, वो मैं को हम जागृत करा दें तो यहां का जीव का मैं अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि प्रणिनाथ जी कहते हैं ना,
जब ये सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। परम धाम का सुख यहाँ हृदय अंग अंतस्करण में अनुभव होने लगेंगे ना, तो संसार का विकार अपने आप छूट जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इसी भाव से अगर देखें, परम धाम का मैं, सुरता का मैं, वो जागृत मैं यहाँ जागृत करा दें, तो यहाँ जीव का मैं अपने आप दूर हो जाएगा, अपने आप गौन हो जाएगा। और परमात्मा की मैं जागृत होने के बाद, वो मैं तो हक का मैं है, उसके द्वारा परमात्मा तक संदेश पहुंचाने के लिए कोई आड़ा कोई समस्या नहीं होता है। इसीलिए यहाँ प्रणिनाथ जी ये दो मैं को खड़ा करके, दो मैं को आगे रख करके कहते हैं, एक जीव का मैं है और एक सुरता का मैं है। जीव का मैं आड़ा बनने के कारण अब तक परमात्मा तक संदेश नहीं पहुंच रहा है, परम धाम का सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। अब सुरता के मैं को जागृत कराना होगा, उसके बाद परम धाम का सुख का अनुभव होगी। इसलिए यहाँ कहते हैं वो यहाँ के जीव के मैं को किस तरह से दूर करे, तो कहते हैं मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। तो इस तरह से कहा। तो अब यहाँ पर पहला मैं जो आया है ना, मैं यानी कि वो सुरता वाली मैं, परम धाम का मैं, इसको हम जरा सा एक्टिंग के द्वारा भी समझे तो सहजता से समझ सकते हैं। मैं मतलब सुरता वाला मैं, मतलब ऊपर का मैं, यहाँ जीव का मैं, मतलब यहाँ नीचे का मैं। तो ये चौपाई को हम सहजता से समझने के लिए थोड़ा बड़ी लैंग्वेज के द्वारा भी समझाते हैं। तो यहाँ मैं ऊपर की तरफ दिखाते समय, ये ऊपर वाली मैं जो है ये सुरता वाली मैं है, और यहाँ नीचे का मैं जो है ये जीव वाला मैं है। तो इसको हम सहजता से ऐसे समझें, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। इसका अर्थ क्या हुआ, मैं यानी कि सुरता की मैं, परात्मा की मैं, इंद्रावती के मैं के बिना मैं मरे नहीं, तो ये मैं जीव का मैं मरता नहीं है अथवा दूर नहीं होता है। अब मैं सो सुरता वाली मैं के माध्यम से, मैं के द्वारा मारना मैं, ये जीव का मैं को मारना है। तो इस तरह से सुरता के मैं को जागृत करा करके जीव के मैं को दूर करने का भाव यहां व्यक्त करते हैं। पहला चरण और दूसरा चरण में तो इस तरह से सुरता के मैं को जागृत करके जीव के मैं को दूर करने का, मारने की बात हुई, परंतु तुरंत इंद्रावती आत्मा सोचती है और ये भाव को व्यक्त करते हैं। तीसरे चरण और चौथे चरण में कहते हैं कि नविध मैं को मारिया। अब यहाँ के जो मैं है, जीव का मैं, उसको भी किस तरह से मारे, किस तरह से हटाए, किस तरह से दूर करे, या विदा हुए इनसे। आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, ये जीव के मैं से भी तो यहां तक लाया है। तो जिस मैं ने यहां तक लाया, आज आकर के अब उस मैं को मारने की बात कर रहे हैं, दूर करने की बात कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से यहां की जो जीव का मैं है, इसको भी आश्रय देने की भाव को यहां पर व्यक्त करते हैं। जैसे प्रकाश ग्रंथ में गुण फिरावा का प्रकरण है, उसके अंदर बहुत सारे गुण के विषय में प्रणिनाथ जी ने चिंतन किया है। उन्हीं गुणों को अन्य साधकों ने, अन्य चिंतकों ने उसको दूर करने का, हटाने का, मारने का, ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें की, परंतु महामती प्रणिनाथ जी ने सारे गुणों के ऊपर चिंतन करके देखा, किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। ये गुण अपने अपने गुण से, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने गति में चल रहा है, परंतु सही डायरेक्शन नहीं दे पाया है, इसीलिए ये खतरा हो रहा है। जागृत ज्ञान के माध्यम से स्वयं जीव जागृत होकर के सारे गुण अंग इंद्रियों को, इन सारे गुणों को सही डायरेक्शन दे, सही दिशा निर्देशन करे, तो सारे के सारे गुण आत्मा को साथ देने वाला है, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाले हैं, इसीलिए किसी को भी मारने की बात नहीं है।
तो इसीलिए यहां प्रणिनाथ जी कहते हैं कि नबीद मैं को मारिया, ये मैं जो जीव का मैं है इसको भी किस तरह से मारे, याविद होए इनसे यहां तक यही मैंने लाया। जैसे उदाहरण के लिए वित्त का ही जरा सा प्रसंग हम देखें, आज हम इंद्रावती के सुरता की मैं जागृत करके महाराज के जीव का मैं को मारने की बात कर रहे हैं, परंतु यहीं पर ये महाराज के मैं के संदर्भ में भी ये भाव को दर्शा रहे हैं कि यही महाराज के मैं यानी कि जीव के मैं के द्वारा तो यहां तक लाया और इंद्रावती की मैं को खड़ा किया, तो अब महाराज के मैं यानी कि जीव के मैं को हम किस तरह से दूर करें, किस तरह से मारे, जो याविद होए इनसे। तो ये मैंने यहां तक लाया, इसका अभिप्राय इसका आशय क्या है? जब श्री महाराज ठाकुर बाल्य अवस्था में अपने घर मेड़ी मंदिर में ही थे, तो अपने भैया गोवर्धन भाई ठाकुर सदगुरु के चरण में जाकर के लौट करके घर आए और घर में सदगुरु के विषय में बातें होने लगी और तिलक प्रसाद भी सदगुरु ने जो प्रदान किया था वो ला करके घर में सबको बांटा। तो जब सदगुरु की बातें घर में चलते समय महाराज ठाकुर ने सुना, तो मैं भी सदगुरु के चरण में जाऊंगा, मुझे भी सदगुरु के चरण में ले जाइए करके कहने वाले मैं कौन सी मैं है? ये इंद्रावती की सुरता वाली मैं है या महाराज का जीव वाला मैं है? तो देखें, उस समय तो महाराज ठाकुर की आत्मा जागृति नहीं हुई है, सदगुरु के चरण तक ही नहीं पहुंची है, तो ये मैं सदगुरु के चरण में जाऊंगा करके मैं शब्द जो उच्चारण हो रहा है, ये तो महाराज का मैं यानी कि जीव का मैं ही तो है ना। हालांकि अंदर की जो सुरता का चेतना जो अंकुर अंदर से काम कर रहा है, परंतु मैं शब्द उच्चारण हो रहा है, तो यहां स्पष्ट रूप में महाराज का मैं ही दिखाई दे रहा है ना। तो यही मैं के कारण यही मैंने मैं सदगुरु के चरण में जाऊंगा करके जब इन्होंने एक चाह रखा, तो महाराज ठाकुर सदगुरु महाराज के चरण शरण में आ गए। और जैसे ही सदगुरु महाराज के चरण में आए, तब जाकर के सदगुरु महाराज ने महाराज ठाकुर के अंदर परम धाम की इंद्रावती सखी की वासना को पहचान किया और इंद्रावती आत्मा को जागृत कराया। तो इंद्रावती आत्मा को धनी के चरण में ला करके जागृत कराने वाले मैं कौन सी मैं है? जीव का मैं यानी कि महाराज ठाकुर का मैंने ही तो यहां तक लाया ना। आप इस भाव से हम देखें तो जिस मैं जीव का मैं महाराज ठाकुर का मैंने इंद्रावती आत्मा को धनी के चरण तक लाए और धनी की कृपा के द्वारा इंद्रावती के मैं को जागृत कराया, अब इंद्रावती की मैं यानी कि सुरता की मैं जागृत होने के बाद जिस मैंने जीव के मैंने धनी के चरण में लाया, अब उस मैं को मारने की बात करे, दूर करने की बात करे, तो ये कैसे विचित्र की बात है। इसीलिए जिस मैंने यहां तक लाया उस मैं को मारा नहीं जाएगा। तो कहते हैं किन विद मैं को मारिया, ये जीव के मैं को किस तरह से मारे? याविद होए इनसे, इतना महान कार्य इसी मैं के द्वारा हुआ है, इसीलिए अब ये जीव के मैं को भी इंद्रावती ने अपने मैं के साथ में मिलाया और जीव का मैं जीव भाव में नहीं रहा। इंद्रावती की मैं जब जागृत हुआ, अब ये मैं के संदर्भ में आगे बहुत सारी चौपाइयों के माध्यम से जाहिर करते हुए कहते हैं कि ये जो सुरता वाली मैं है, अब ये मैं में कोई खतरा नहीं है। जीव का मैं थोड़ा सा जागृत होकर के काम करते समय जीव का मैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए संदेश पहुंचाने के लिए कुछ आड़ा भी बन सकता है। जीव का मैं कब तक आड़ा बनेगा? जब तक सुरता वाली मैं जागृत न हो। जब सुरता वाली मैं जागृत होने के बाद अब सुरता वाली मैं अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, ये सुरता वाली मैं तो हक का ही मैं है, इसीलिए अब इस मैं में कोई खतरा नहीं है। तो ये मैं जो है मैं के संदर्भ में भी एक मैं है जो न अव्वल में था न आखर में रहेगा। मतलब यहां जीव का मैं जब सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी उस समय में ये जीव का मैं तो कहीं था ही नहीं ना।
और जब सृष्टि का लय होगा उस समय में जीव का मैं तो कुछ रहेगा ही नहीं, इसीलिए ये जीव का मैं तो पूरी तरह से अलग हो ही गया। और सुरता की मैं की अगर बात करें, ये तो हक का मैं है, यानी कि इंद्रावती आत्मा हो चाहे 12,000 आत्मा सुरतारूप जो भी हो, ये सारी आत्माएं श्यामा जी का अंग का नूर है। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, श्यामा जी के अंगना स्वरूप सुंदर साथ 12,000 आत्माएं हैं, और श्यामा जी महारानी स्वयं श्रीराज जी का नूर का स्वरूप है, श्रीराज जी का अंग का स्वरूप है। इसलिए सुरता की मैं कहना ही श्यामा जी का मैं है, और श्यामा जी का मैं कहना ही हक का मैं है, श्रीराज जी का मैं है। इसीलिए इस हक के मैं में कोई भी खतरा नहीं है, इस भाव को यहाँ व्यक्त करते हैं। इसीलिए ये तीसरे नंबर चौपाय के अंतिम में कहा ना, महामत कहे मैं हक की पहुंची बक्का में। ये सुरता वाली मैं जो है ये तो महामती कहते हैं, प्रणिनाथ जी कहते हैं मैं हक की, ये मैं तो हक की मैं है जो पहुंची बक्का में, ये तो अखंड परम धाम में यही मैं पहुंची, ये मैं असल अरस की। ये सुरता वाली मैं जो है ये तो असली परम धाम का मैं है, ये मैं मोमिन हक से, हक परमात्मा के द्वारा ही आत्मा के अंदर ये मैं आया है, इसीलिए इस मैं में कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से ये तीसरे प्रकरण में वैसे तो बहुत सारी चौपाइयों के द्वारा इसको बहुत गहराई से चिंतन कराया है, परंतु सार रूप में हमने ये विवेचन किया, दो प्रकार का मैं है, एक जीव का मैं है और एक सुरता का मैं है। जब तक सुरता का मैं जागृत न हो तब तक जीव का मैं काम कर रहा है, और अज्ञान अवस्था में जीव का मैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए कुछ आड़ा भी बन सकता है, परंतु हक इलम यानी कि तारतम ज्ञान के माध्यम से सुरता की मैं को जागृत करने के पश्चात ये जीव का मैं अपने आप गौण जा हो जाता है। अब सुरता का मैं जागृत होने के बाद ये सुरता का मैं तो हक का मैं है, इसलिए ये हक का ही मैं हक तक संदेश पहुंचाने में और हक की बात को यहां जाहिर करने में कोई आड़ा नहीं बन सकता है। इस तरह से मैं के ऊपर विवेचन किया और इसी भाव को निरंतर आगे बढ़ाते हुए चौथे नंबर प्रकरण में कहते हैं, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। तो अब यहां पर तुम्हारी मैं शब्द प्रयोग करते समय इस चौपाई को साधारण हिसाब से देखते समय तो हे धाम धनी, हे श्रीराज जी महाराज, मैं आपका हूं, आप जिस अवस्था में मुझे रखना चाहे उसी अवस्था में रखिए करके मैं शब्द को सहजता से भी अर्थ कर सकते हैं, परंतु यहां धनी तुम्हारी मैं शब्द जो उच्चारण हुआ है ये मैं शब्द को समझने के लिए आगे जो दूसरे और तीसरे प्रकरण के प्रसंग जो अभी हम सारांश रूप में चर्चा करके आ रहे थे तो इसके ऊपर चिंतन करना अत्यावश्यक है। तो यहां धनी तुम्हारी मैं शब्द प्रयोग किया है ना, ये मैं जीव का मैं और सुरता का मैं का विवेचन होने के बाद उस सुरता वाली मैं को आगे खड़ा करके बोल रहे हैं, हे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज, धनी तुम्हारी मैं, ये आपका मैं जो है ना, ये सुरता वाली मैं आपका मैं, इसको अब ज्यों जानो त्यों रखो, जिस हाल में आप चाहे उस हाल में रखिए, अब ये आपका मैं आप खुद संभालिए। अब आगे कहते हैं, ये कहने को भी ना कछु तो कहा कहूं तुमसे, अब मेरे तरफ से कुछ कहना भी नहीं है तो आपको मैं क्या कहूं, क्योंकि आप तो सब कुछ तो जानते हैं, ये आपका ही मैं है, इसलिए इस मैं के अंदर भी क्या कुछ चल रहा है ये भी सब आप ही जानते हैं, और ये आपके मैं के अंदर जो कुछ भी भावना को प्रकट करने वाले आप ही हैं, आप जब प्रकट कराते हैं तब जाकर के तो ये मैं के अंदर वो भावना प्रकट होती है,
इसलिए अब यहां पर बीच में मुझे आकर के मुझे कुछ कहना नहीं है। ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं अब कहने को भी ना कछु तो कहा कहूं तुमसे। राज्य महाराज में परमात्मा में पूर्ण रूप से इस मैं को समर्पित करते हुए इस भाव को व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये चौपाई को और हम चिंतन करके देखें तो ये समर्पण का प्रकाष्ठ है। अब इससे आगे इससे बढ़कर के कोई समर्पण का जगह ही नहीं है। जब जीव के मैं को भी एक तरफ किनारा करके सुरता के मैं को जागृत करा करके सुरता के मैं को भी राज्य में पूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद अब बाकी रहा ही क्या। तो परमात्मा की कृपा पात्र बनने के लिए सबसे पहले तो अपनी तरफ से समर्पण होना होगा, शरणागति। तो ये शरणागति के बिना, पूर्ण समर्पण के बिना परमात्मा की कृपा हो ही नहीं सकती है। तो इंद्रावती आत्मा ने अपनी तरफ से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, मैं ये मैं आपका ही है और आपने जागृत कराया हुआ ये मैं आपको ही समर्पित करती हूं। और इस मैं को जिस हाल में रखना चाहे आप उसी हाल में रखिए, अब मेरा कहना भी कुछ नहीं है। तो जब इस दर्जा की समर्पण की भाव आई तो बाकी रहा ही क्या। तो ये खिलवत ग्रंथ के संदर्भ में मैं बार बार बोल रहा हूं, अगले प्रसंग से ही आत्मा चाहती है परमधाम का साक्षात्कार करूं, दर्शन करूं, परंतु वो हृदय के अंदर पूर्ण रूप से इसक अनुभव न हो पाने के कारण परमधाम के अंदर साक्षात भाव से प्रवेश हो नहीं पाया है। इसीलिए धाम धनी से वह आर्त पुकार करते हैं, विनती करते हैं, अर्जी करते हैं कि हे धाम धनी ये पर्दा को हटा दीजिए, परमधाम का सुख दीजिए, आप साक्षात दर्शन दीजिए। इस तरह से ये भाव को व्यक्त करते हैं। तो परमधाम के दर्शन के लिए श्रीराज जी महाराज से अर्जी करते करते इंद्रावती आत्मा ने इस भाव के द्वारा तो अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, अब अपने में कुछ रखा ही नहीं। जब इस दर्जा के समर्पण की भाव आत्मा के अंदर प्रकट होगी तब जाकर के राज्य महाराज कृपा करके आत्मा को वो परमधाम का दरवाजा खोल देंगे। ऐसी ऐसी ही खिलवत की इस गहराई की भाव, इस समर्पण के भाव के कारण ही ये खिलवत वाणी के पश्चात परिक्रमा ग्रंथ जिसके माध्यम से आत्मा को परमधाम के अंदर प्रवेश करा करके सारा 25 पक्ष परमधाम का सुख दिया। सागर श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से मोल मिलावा के बैठक के अंदर की बातुनी श्रृंगार बातुनी शोभा श्रीराज्य के स्वरूप श्रृंगार का साक्षात्कार कराया। उसके लिए ये खिलवत ग्रंथ का इस गहराई की शरणागति समर्पण की बात है। हम परमात्मा की कृपा तो चाहते हैं परंतु अपने आप को पूर्ण रूप से परमात्मा में समर्पण नहीं कर सकते हैं। परंतु जब तक आत्मा परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित न हो तब तक परमात्मा पूर्ण रूप से कृपा नहीं करेंगे। जैसे हम दृष्टांत के रूप में जरा सा शास्त्रीय प्रसंगों को जोड़ें, महाभारत के युद्ध का प्रसंग है, श्रीमद् भागवत गीता का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत गीता में सर्वप्रथम युद्ध के मैदान की तरफ जाते हुए अर्जुन की स्थिति के विषय में बातें किया है और उसके बाद जैसे ही युद्ध के मैदान में पहुंचे उसके बाद सामने में विपक्षी जो कौरव पक्ष में है वहां पर अर्जुन ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य अपने ही भाई बंधुओं को देखा, मोह से ग्रसित होकर के बुद्धि भ्रमित होकर के ये कहने लगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस विषय को लेकर के अर्जुन ने बहुत सारे बातें की परंतु श्री कृष्ण जी ने एक शब्द भी अर्जुन के लिए कुछ कहा नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए गीता उपदेश कहां से प्रारंभ किया, कब से प्रारंभ किया,
तो जब तक श्री कृष्ण जी के चरण में आकर के अर्जुन पूर्ण समर्पित नहीं हुए तब तक श्री कृष्ण जी ने एक शब्द भी उच्चारण नहीं किया। तो गीता की दूसरी अध्याय में आगे जाकर के श्री कृष्ण जी के चरण में अर्जुन किस तरह से समर्पित होते हैं इस भाव को दर्शाया है। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यस्त्रेहस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वाम प्रपन्नम। यहां पर शरणागति के भाव में मुख्य शब्द है शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण जी, मैं आपका शिष्य हूं, मैं शिष्य भाव से आपके चरण में आपके शरण में आया हूं, आप मुझे क्या करना योग्य है क्या करना अयोग्य है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे मार्ग निर्देशन करिए करके जब श्री कृष्ण जी के चरण में आकर के वो गिर पड़े, शरण में आकर के शरणागति हुए, पूर्ण समर्पित हुए, तब जाकर के ही श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश प्रारंभ किया। और वास्तव में अपना कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, इस विषय में उपदेश दे करके अंत में फिर कहा तुमको जो अच्छा लगे वही करो। निर्णय उनके हाथ में सौंप दिया। कहने का अर्थ ये तो मैं जराशय के उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में इस प्रसंग को जोड़ रहा था। तो परमात्मा कृपा करते हैं क्योंकि परमात्मा का नाम ही दीन बंधु है, दीनानाथ है, पतित पावन है, मेहरवान है, कृपावान है, दयावान है। वो तो हर दम हर क्षण हर पल अपनी आत्माओं के ऊपर कृपा करते ही रहते हैं, पल पल में कृपा करते ही रहते हैं। परंतु आत्मा को वो कृपा का एहसास होने के लिए, अनुभव होने के लिए, वह कृपा को आत्मसात करने के लिए अपनी तरफ से आत्मा को पहले पूर्ण रूप से समर्पित होना होगा। जब परमात्मा में पूर्ण रूप से समर्पित होंगे तब जाकर के परमात्मा भी पूर्ण कृपा करेंगे। तो परमधाम दर्शन करने की चाह इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर है। श्रीराज जी के साथ में साक्षात्कार होने का इंद्रावती के हृदय के अंदर ये चाह है। उसके लिए इंद्रावती आत्मा धाम धनी के चरणों में पहले इस तरह से समर्पित होते हैं, अपने आप में कुछ रखा ही नहीं है। शास्त्रों के अंदर बहुत सारी शरणागति की बात है, समर्पण की बात है। और वाणी के अंदर देखें, वाणी के अंदर भी बहुत जगह हमें शरणागति की भाव है, समर्पण का भाव है। और खिलवत वाणी के ये चौपाई ऐसा लगता है शरणागति का पराकाष्ठ है ये। अब इसके आगे शब्द बचा ही क्या, जबकि वो सुरता वाली मैं को भी खड़ा करके इस मैं के संदर्भ में भी कहा कि ज्यों जानो त्यों रखो धनी, तुम्हारी मैं ये आपका मैं है और इसको जिस हाल में रखना चाहे आप उस हाल में रखिए। अब कहने को भी ना कछु, कहां कहूं तुमसे, अब मेरा कहना भी कुछ नहीं है, अब मैं आपको क्या कहूं। जब ये भाव को जब व्यक्त किया तो अब आगे बचा ही क्या। तो ये समर्पण का पराकाष्ठ है, शरणागति की पराकाष्ठ है। फिर आगे इंद्रावती आत्मा जरा सा एक भाव को व्यक्त करते हैं क्योंकि वो अब कहना भी कुछ नहीं है करके चुपचाप से मौन तो बैठ नहीं सकती है ना। अंदर से कुछ कहने की चाह, कुछ कहने के भाव प्रकट होती है तो उसके लिए भी कहते हैं कछु कछु दिल में उपजता, शोभी तुम ही उपजावता, दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम ही हक जानता। मेरे हृदय के अंदर कुछ कहने की चाह उत्पन्न हो तो वो भी आप ही उत्पन्न कराते हैं, मेरे तरफ से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि दिल के बाहर हो, भीतर हो या अंतर हो, सब तरफ तो आप ही जानते हैं सारी स्थितियों को। तो मेरे हृदय के अंदर क्या विचार को प्रकट करके क्या अर्जी कराने वाले हैं, विनती कराने वाले हैं, ये भी आपके ही हाथ में है। और चुपचाप से बैठाएंगे तो वो भी आपके ही हाथ में है। इसलिए अब मेरे तरफ से कहना सुनना कुछ नहीं है, आप अगर कहलाएंगे तो मैं कहूंगी और आप चुप बैठाएंगे तो मैं चुप बैठूंगी। अब मेरे तरफ से अपने आप में कुछ बाकी नहीं रखा है, इस भाव को यहां पर इस तरह से व्यक्त करते हैं। फिर आगे ये भाव को भी जाहिर करते हैं, हे धनी, मेरी रूह जितना भी तड़पे विलखे
आखिर तड़पाने वाले आप हो, बिलखाने वाले आप हो, मंगवाने वाले आप हो और देने वाले भी आप हो। जैसे पहले ही कहा ना, हक उपजावे देवे को सो हक ही देव नहार, मैं दोष हक्का का देख के क्यों हो गुनहेगार। तो आप ही दिल के अंदर उत्पन्न कराने वाले हैं और आप ही मेरी दिल की चाह को पूर्ण करने वाले हैं, इसीलिए मुझे कुछ मांगना भी नहीं है, कुछ कहना भी नहीं है। कभी कभी आत्मा तड़पती है तो कुछ मांगने के लिए चाह होती है, परंतु मैं डरती हूं मांगने के लिए। क्यों? क्योंकि मांगते ही आपने बहुतों को मंगवाया और अंतिम में जा करके गुनहेगार साबित करा दिया, तो इसलिए मुझे गुनहेगार बनना नहीं है। तो किन किन को गुनहेगार करा दिया? तो बहुतों की बात है, तो यहाँ सदगुरु महाराज रूहल्ला स्वरूप ने भी मांगते समय उनको भी किस तरह से गुनहेगार बनाया, ये भाव को भी व्यक्त किया है। रूहल्ला करी बंदगी तिन में उनकी मैं, तो गुनहा कहा इन पर इन मैं मांगिया हक पे। रूहल्ला ने क्या मांगा? जब 40 वर्ष की उम्र में धाम धनी स्वरूप दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा था ना, मैंने आपको तीन बार 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 दर्शन दिया, अब चौथी बार इस तरह से साक्षात रूप में दर्शन नहीं दूंगा, कुछ मांगना है तो मांगो करके कहा, तो देवचंद्र जी महाराज रूहल्ला स्वरूप ने कहा धनी आप कहां जाएंगे? दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर आकर के बैठूंगा। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा जब आप मेरे हृदय के अंदर आकर के बैठेंगे तो अब मुझे मांगना ही क्या है, कुछ मांगना नहीं है, ये कहा। और बाद में जा करके जागनी का कार्य किसके द्वारा कराएंगे हे धनी करके ये प्रश्न पूछते हुए चिट्ठी लिख लिख करके धनी के साथ में ये प्रश्न किया और ये संकेत करिए जागनी किसके द्वारा कराएंगे ये बताइए करके फिर प्रार्थना करने लगे। तो रूहल्ला स्वरूप देवचंद्र जी महाराज के ऊपर भी आपने गुनाह लगा दिया। इसीलिए मैं डरती हूं न जाने मेरे हृदय में भी मांगने की कुछ चाह आप प्रकट करा दें और मैं मांगू और मुझे भी गुनहेगार स्वरूप सिद्ध करा दें, इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ मांगना भी नहीं चाहती हूँ। आप मंगवाए तो मंगवाइए, आप दिलाएंगे तो दिलाइए, बस पहले ही कहा ना शरणागति की उस प्रकाष्ठ का भाव उन्होंने यहाँ पर दर्शाया और बहुत सारी भाव यहाँ हुकुम की बात भी है और मैं का विवेचन भी है, समर्पण का भाव भी है और अंत में जाकर के कहते हैं ये जितने भी कार्य जो कुछ भी हुआ है राज्य के हुकुम के द्वारा ये सब कुछ हुआ है। महमत कहे मैं हक के, खोले मगज मुसाफ कलाम और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले चौदे तबक तमाम। महमत कहे मैं हक की, ये हक के मैं के द्वारा ही खोले मगज मुसाफ कलाम। मगज मुसाफ कलाम यानी कि कुरान पुराण के अंदर धर्म ग्रंथों के अंदर छुपी हुई रहस्यमय बातें हक के हुक्म के द्वारा ही ये खुलासा किया है। और हक कलाम कौन खोल सके, परमात्मा के वचन जो धर्म शास्त्र वेद कतीब के रूप में आया हुआ रहस्यमय सांकेतिक वचन जिसका अभी तक अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था, इन सारे वचनों का अर्थ स्पष्ट कौन खोल सकते हैं? जो मिले चौदह तबक तमाम, चौदह लोक ब्रह्मांड के तमाम बुद्धि आकर के मिले तो भी इसको खोल नहीं सकते। हक के हुक्म के द्वारा, परमात्मा के हुक्म के द्वारा इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम में विराजमान होकर के महामति प्रणिनाथ जी स्वरूप के द्वारा इन सारे रहस्यों को भी खुलासा किया। तो इस तरह से मैं का प्रसंग, समर्पण का भाव, धर्म शास्त्रों की रहस्यों को खुलासा करने का भाव और विशेष करके ये सारे के सारे कार्य राज्य के हुक्म के द्वारा ही हुआ है, इस भाव को यहाँ पर व्यक्त करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय।
महमत कहे मैं हक की, महमत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले चौदे तबक तमाम, जो मिले चौदे तबक तमाम, जो मिले चौदे तबक तमाम, जो मिले चौदे तबक तमाम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।